नमस्कार, मैं दिव्या धाधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। पाकिस्तान से भागकर भारत अपने प्रेमी सचिन के पास आई सीमा हैदर इस समय खूब सुर्खियों में है। वह यहां क्या सिर्फ अपने प्रेमी सचिन से मिलने आई है या उसका मंसूबा कुछ और ही है, यह अभी भी कई लोगों के लिए हैरानी का विषय है। यूपी एटीएस तो उसके ISI कनेक्शन और बाकी चीज़ों पर जांच कर रहा है। इस बाबत सीमा से काफ़ी पूछताछ भी की जा चुकी है। इस बीच सीमा हैदर पर पहली बार भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हमें इस मसले की जानकारी है, वह जमानत पर है और मामले की जाँच चल रही है। सोशल मीडिया पर मणिपुर से एक शर्मनाक और भयावह वीडियो सामने आने के बाद देश भर में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाने वाली वायरल वीडियो ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हर कोई सरकार से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। वहीं भीड़ में इस काली करतूत को अंजाम देने वाले एक मुख्य अपराधी की तस्वीर सामने आई है। इस अपराधी की उचित पहचान के बाद आज सुबह एक ऑपरेशन में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल में ही रेल यात्रा के दौरान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति को हुई असुविधा पर प्रोटोकॉल प्रभारी की ओर से रेलवे को लिखे पत्र पर CJI न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने देश के सभी जजों को कहा है कि प्रोटोकॉल के तहत मिलने वाली सुविधा आपका विशेषाधिकार नहीं है। CJI ने कहा है कि सुविधाओं का ऐसा इस्तेमाल करें कि दूसरों को तकलीफ न उठानी पड़े। जलवायु परिवर्तन की वजह से आगामी कुछ दशकों के दौरान देश की राजधानी दिल्ली पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जलवायु परिवर्तन सिटी गवर्नमेंट कार्य योजना ड्राफ्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से दिल्ली को 2050 तक 2.75 trillion रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, वर्षा और तापमान पैटर्न में बदलाव की वजह से आबादी के एक बड़े हिस्से पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वैश्विक खाद्य नियामकों से कहा है कि खाद्य सुरक्षा नियम बनाते समय किसानों को ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियम बनाते समय किसानों को विचार विमर्श के केंद्र में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिले। तोमर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि भोजन हर व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है, इसलिए भोजन की उपलब्धता और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना अहम है। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने और हैबेक ने यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत की स्थिति पर अपने विचार साझा किए। नई दिल्ली में जर्मन वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। भारत जर्मनी सहयोग के कई नए अवसरों पर सार्थक चर्चा हुई। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाले पहलवान बजरंग विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की एकता में दरार पड़ गई है। बजरंग और विनेश को बिना ट्रायल्स के एशियाई खेलों के टीम में शामिल करने का साक्षी ने विरोध किया है। साक्षी ने कहा है कि उन्हें भी ट्रायल में छूट देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। साक्षी ने कहा कि बजरंग विनेश को सीधे टीम में प्रवेश देना गलत है। चावल की कीमतों पर लगान लगाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक आदेश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद अब सरकार गेहूं और दाल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गुरुवार को भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। यहां पहुंचने पर विदेश राज्य मंत्री V. मुरलीधरन ने हवाई अड्डे पर विक्रमसिंघे का स्वागत किया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के स्वागत में कलाकारों ने एयरपोर्ट पर गरबा किया। बता दें कि विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया परेशान है। गर्मी का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं सर्दी का समय सिकुड़ता जा रहा है। बदलते मौसम पैटर्न के कारण अब पहाड़ों में भी गर्मी का एहसास होने लगा है। इस बीच नासा के जलवायु वैज्ञानिक ने बहुत ही चिंताजनक अनुमान लगाया है। गेविन स्मिथ ने कहा है कि 2023 का जुलाई महीना संभवतः सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों में दुनिया का सबसे गर्म महीना साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि यह बैठक ऐसे देश में हो रही है जिसके पास पिछले ऐसे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन के दौरान बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी नौकरियां पैदा करने का अनुभव है। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी को अपने कार्यबल को उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के उपयोग में कुशल बनाने की आवश्यकता है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य के कार्यबल के लिए मंत्र है। भारत में हमारा स्किल इंडिया मिशन इसी वास्तविकता से जुड़ने का एक अभियान है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और कदम दर कदम हमें इस महत्वपूर्ण मिशन में मुकाम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री ने बताया है कि गुरुवार को जापान और भारत ने सेमीकंडक्टर विकास, विनिर्माण, अनुसंधान, डिजाइन और प्रतिभा विकास के लिए सहयोग के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के सफर पर रवाना करने के बाद अब नए मिशन पर काम तेज कर दिया है। 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जो 24 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। चंद्रयान 3 पर भारत की कई उम्मीदें टिकी हैं। इन उम्मीदों के बीच इसरो ने अब गगनयान मिशन के तेजी दिखाई है। इसरो ने गगनयान की सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन प्रणाली का परीक्षण किया, जो सफल रहा। तमिलनाडु में महेंद्रगिरी में स्थित इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में इसकी सफल टेस्टिंग की गई है। इस सफल परीक्षण पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसरो को बधाई दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को सरकारी अधिकारियों को किसी मामले में पेशी के लिए तुरंत ना बुलाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि उन्हें अदालतों में पेश होने के बजाय नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अपनी कीमती समय बिताना चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने बिहार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक को जमानती वारंट जारी करने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर आपत्ति जताई और आदेश पर रोक लगा दिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिसंबर 2021 से 10 वेबसाइटों और 5 ऐप सहित 635 यूआरएल को सार्वजनिक पहुंच से ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया। केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे पूछा गया था कि मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 की संबंधित धारा के तहत कितनी वेबसाइटों यूआरएल और ऐप्स को ब्लॉक किया है। देश में न्याय वितरण प्रणाली ठप पड़ी हुई और अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 14 जुलाई को 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। न्यायपालिका के सभी 3 स्तर अधीनस्थ जिला अदालतें, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले के निपटारे की संख्या अपेक्षा से कम रहा है। गुरुवार को राज्यसभा में जानकारी दी गई कि देश के अलग अलग अदालतों में लंबित मामले 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। लिखित उत्तर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि 5.02 करोड़ से अधिक मामले अलग अलग अदालतों में हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट, 25 हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित है। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम को लेकर रार अब तक थम नहीं रहा है। अब यह खबर है कि गठबंधन के कुछ बड़े दलों ने नाम में बदलाव कर साथ में कोई शब्द जोड़ने का सुझाव दिया है। कहा जा रहा है कि इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल है। हालांकि दोनों दलों ने आधिकारिक तौर पर इससे लेकर कुछ नहीं कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 12.5 मिलियन से अधिक युवाओं को अभी तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। भारत में यह क्षमता है कि वह दुनिया को सबसे अधिक स्किल्ड वर्कफोर्स मुहैया करा सकता है। वैश्विक परमाणु सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेशनल थ्रेट इनिशिएटिव के परमाणु सुरक्षा सूचकांक ने पाकिस्तान को भारत से ऊपर स्थान दिया। यानी सूचकांक में परमाणु सामग्री की सुरक्षा के मामले में पाकिस्तान को भारत से बेहतर करार दिया गया है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा सन्स ने ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए करीब 4 अरब पाउंड यानी 5.2 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। ब्रिटेन में बनने जा रहे इस प्लांट में हर साल 40 गीगावाट सेल बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बैटरी के निर्माण के लिए भारत के बाहर ये टाटा की पहली गीगा फैक्ट्री होगी। पटना में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार सख्ती बरती जा रही है। खासकर दोपहिया चालकों के हेलमेट नहीं पहनने और कार में बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर लगातार जुर्माना लगाया जा रहा है। यातायात विभाग की इस कार्रवाई में अब पटना के ट्रैफिक एडीजी का भी नाम शामिल हो गया है, जिनकी गाड़ी का उनके ही विभाग ने चालान काटा है। अगर आप भी अपने पैसे पर हायर रिटर्न चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की। बैंक एफडी और छोटी बचत योजनाओं दो कम जोखिम वाले निवेश के ऑप्शन है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलने वाले ब्याज दर इस समय रिकॉर्ड लेवल पर है। आप निवेश के लिए इस ऑप्शन का विचार करके ज़्यादा फायदा पा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए जुलाई से सितंबर की ब्याज दर 8.2% तय की गई है। व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया कॉलिंग फीचर रोल आउट कर रहा है। यह फीचर आपको एक कॉल में 15 लोगों को जोड़ने की अनुमति देगा। इससे आप अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। यह फीचर अभी तक सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। हांगकांग से करीब 100 किलो तस्करी का सोना नेपाल लाया गया है। राजस्व अनुसंधान विभाग के महानिदेशक नवराज दुंगाना ने बताया है कि हांगकांग के क्या थे प्योसेफिक की फ्लाइट में स्कूटर के ब्रेक शू के आवरण में सोने की खेप लाई गई। सोना तस्करी के आरोप में एक तिब्बती मूल के भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। मोदी सरनेम विवाद में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। राहुल गांधी द्वारा एक जनसभा में मोदी उपनाम वाले लोगों को चोर बताए जाने के मामले में गुजरात की एक अदालत ने मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। इसी को राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर आज सुनवाई हुई। राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी कोर्ट में राहुल गांधी का पक्ष रखा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब भाजपा विधायक पुर्नेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
भारत में मुसलमानों की आबादी 19.7 करोड़ हो गई है। अनुमानित आंकड़े हैं जो केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिए हैं। एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 2011 के सेंसस के आधार पर बताया कि देश की कुल आबादी में मुस्लिम की आबादी 14.2% है। समुदाय की आबादी 2023 में भी इसी अनुपात के साथ बढ़ने का अनुमान है। टीएमसी सांसद ने सरकार से पसमानदा मुसलमानों का आंकड़ा मांगा था और उनके हालात पर सवाल किए थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 2011 में मुस्लिम समुदाय की आबादी, जुलाई 2020 में अनुमान था कि भारत की आबादी 2023 में 138.8 करोड़ होगी। इस आधार पर अगर देखा जाए तो मौजूदा साल में समुदाय की आबादी 19.7 करोड़ रहेगी। पसमानदा मुसलमानों पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने गोल मटोल जवाब दिया। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी ने कुछ रोज पहले एक मार्च निकाला था जिसमें जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई थी। आरोप थे कि उनकी मौत लाठी चार्ज से हुई है, लेकिन अब दूसरी वजह सामने आई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जुलाई को विजय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई। इसमें सामने आया है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वे पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित थे। पोस्टमार्टम के दौरान विजय सिंह के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। इस बार श्रीलंका में आयोजित हुए मिसेज इंडिया इंक सीजन 4 की प्रतियोगिता के दौरान चांपा छत्तीसगढ़ की चेतना जोशी तिवारी को मिसेज इंडिया चुना गया है। इस प्रतियोगिता में देश विदेश की 75 महिलाओं ने भाग लिया है। देश में इस वक्त मिसेज इंडिया को लेकर काफी खुशी जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर चेतना को सभी बधाई दे रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मणिपुर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि महिलाओं ने नग्न परेड की घटना एक फर्जी खबर फैलाए जाने के बाद हुई है। दिल्ली में हुई रेप की एक घटना को मणिपुर का बताया गया। फर्जी खबर में बताया गया है कि एक खास समुदाय की लड़की के साथ रेप हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में शुक्रवार को चूक हो गई। नूर आलम नाम के एक शख्स ममता के कालीघाट स्थित घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पकड़े गए शख्स की कार से एक बंदूक, एक चाकू और गांजा बरामद किया गया। घटना के वक्त ममता बनर्जी घर पर ही मौजूद थी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौशाद अंसारी, अर्जुन राम, बाबूलाल मरानिया। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या पहलवानों को बिना किसी ट्रायल के एशियाई खेलों की टीम में शामिल करना सही है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।